गाड़ी ऊपर नहीं जाती, लेकिन ये गाड़ी दे रहती है आपको, कह के भाई ठीक है चली जाएगी, लेकिन आधी रास्ते से आपको गेम करवा के वापस ले आते हैं कि गाड़ी खराब हो गई या ये सीन है। तो सारे बंदे ये जो आप देख रहे हैं ये यही पैसे लेने के लिए खड़े हैं कि पैसे वापस करो। उसके अलावा ये भी तीन बैठे हैं, ये भी इसी चक्कर में बैठे हैं कि इनकी बारी आए तो फिर इनके पैसे वापस हों। यकीन जाने समझ से भाई काम, अभी हम दोबारा जा रहे हैं वापस क्योंकि वो गाड़ी नहीं थी आ रही, हमारे बंदे बाहर निकल के बैठे थे, हमें था कि गाड़ी ठीक होगी वापस आ रही, लेकिन गाड़ी भी ख़राब ही है तो वापस जा रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है कि चले यहाँ से, जाने बेहतर है, आगे जाके अंधेरा हो जाना फ़ायदा नहीं होना घूमने फिरने का, तो क्योंकि नज़र कुछ आना नहीं, फजूल वहाँ पर स्टे करेंगे फिर 3-4-5 घंटे वापस आने में लगेंगे, तो इसलिए भी जा रहे हैं यहाँ से। बाकी ये है कि अभी का प्लान थोड़ा सा चेंज करेंगे, चेंज इस तरह से करेंगे कि किसी दूसरी जगह पे चलते हैं, रत्ती गली फारा गया। बाकी सारे तो निकल गए हैं, वो आगे यहाँ पे, मैं भी पीछे ही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई इतनी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, मैं मुझे था गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में आएंगे तो मैंने शूज़ पहन लिए दूसरे, उनकी ग्रिप नहीं है तो मुझे जिसकी वजह से स्लो स्लो चलना पड़ा है। फाइनली गाड़ी तक पहुँच चुके हैं और ये रही गाड़ी, अब मेरे ख्याल से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि जाना है कि नहीं ऊपर, ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि जाना बनता है हमारा, अब वापस ही जाएंगे तो देखें अब जैसा डिसाइड होता है फिर आगे क्या करना है हमने। यहाँ पे देखें ये नज़दीक लग रहा है लेकिन काफ़ी नीचे है ये, साथ साथ ये पानी ख़त्म नहीं हो रहा है और ऊपर जाने की अब हिम्मत भी नहीं है, और ऊपर होटल भी नहीं आया, कैंपिंग भी नहीं हो सकती। देखेंगे सनम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों। अभी यकीन करे वापस आ गए हैं, वापस आ गए, मैं ये पता लगा कि जो गाड़ी वाले हैं ना वो तो करती है ऐसे, मतलब ये गाड़ी ऊपर जाती नहीं आई, ले जाते हैं रोज जो हमें गेस्ट मिले हैं, गेस्ट कह रहे हैं टूरिस्ट मिले हैं, वो ये बता रहे कि हमें भी ना इन्होंने सेम ही फिल्म सुनाई थी कि गाड़ी खराब होगी ऊपर नहीं जाती है, जान के किराया पूरा ले लिया 10-12 हज़ार जो लिया उन्होंने, फिर दोबारा नीचे ले आए कि गाड़ी ऊपर नहीं जाती है, तो ये मसले आते तो इसे डील कर रहे हैं उनसे, वो ही कर रहे हैं। और दूसरा ये अगर आप रत्ती गली यहाँ पे कश्मीर में आपका चक्कर लगता है तो थोड़ी सी टूर गाइड या टूर की टिप ये समझ लें आप कि आप अगर सिंगल पर्सन यहाँ पे जा रहे हैं रत्ती गली में आप कश्मीर में, मतलब अगर आपको पहले नहीं पता तो यहाँ से गाड़ी लेती है वो 1500 रुपया पर पर्सन वो ले जाती है आपको वहाँ पे, वहाँ से 500 हज़ार लगता है वापस आने का, तो ये बेटर होता है। अगर आप ग्रुप में फिर तो आपको तकरीबन 12 से 12 हज़ार रुपये की 10 हज़ार रुपये की गाड़ी मिल जाएगी कैरन के पास से, तो फिर आप सीधा वो आपको रत्ती गली ले जाएगी फिर वापस वहाँ छोड़ देगी। अगर आप ग्रुप में तो एक वो कार में या गाड़ी में क्या लें अगर ये चारों टाइप है तो वो 6 से 7 बंदे बैठाते हैं, बहुत मुश्किल से, अगर वो बड़ी जीप टाइप है वो तो 15 लोग भी लेके जा रहे थे। दूसरा ये कि आप फैमिलीज के साथ यहाँ पर ना ही आए तो बैठे थे, रीज़न ये कि रास्ता बहुत ख़राब है, काफ़ी लोग वहाँ फैमिलीज और बच्चों के साथ आए थे जो कि बहुत मुश्किल में, बच्चे भी रो रहे थे, टाइम एक तो लगता बहुत है, दूसरा यह कह रहे नहीं वो मुश्किल है काफ़ी, तो फैमिली के साथ ही अवॉइड करें रत्ती गली को। बाकी आगे आप शारदा वगैरह चले जाएं, वहाँ से आगे केल और दूसरा जितने भी पॉइंट है ना वहाँ पे, वहाँ जा सकते हैं आप। इधर ये जितना मजमा देख रहे हैं आप सारे वो ही हैं कि मतलब ये गाड़ी है पजारो, यहाँ पे ऊपर नहीं जाती वो, ये अल सादात मोटर्स यहाँ पे गाड़ी ऊपर नहीं जाती, लेकिन ये गाड़ी दे रहती है आपको कह के भाई ठीक है चली जाएगी, लेकिन आधी रास्ते से आपको गेम करवा के वापस ले आते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई या ये सीन है। तो सारे बंदे जो आप देख रहे हैं ये यही पैसे लेने के लिए खड़े हैं कि पैसे वापस करो। उसके अलावा ये भी तीन बैठे हैं, ये भी इसी चक्कर में बैठे हैं कि इनकी बारी आए तो फिर इनके पैसे वापस हों। अभी डिनर के लिए हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पे कल लास्ट टाइम आए थे और उठ के चले गए थे, हमने कहा अच्छी बात नहीं लगती है, वो बेचारे अफसरदा थे कल, तो आज इनका जो कल का नुकसान है वो पूरा करेंगे। ये देखे पहले सारे बैठे हैं, इधर पहले हाथ धो लें, उसके बाद फिर ऑर्डर दे दिए इन्होंने तो फिर देखते हैं, नहीं दिया इस्लाम भी देना उनको है। आज भी फिर हमने कढ़ाई की है जो कल की थी, हाँ थोड़ी सी बच गई थी उसके दोबारा गर्म करवाया, क्या बात है। बाकी ये रोटियां आ गई और सारने मंगवाई अपने लिए,
ये भी साथ उन्होंने दिए रोटी के, क्या ये खा के मेरे सर में दर्द हो आपके, पैनाडोल ये भी सारे एक खाएंगे, आठ है ना, दस होती है, चले आपके दो दो हमारे एक एक, तो रोटी के बाद ये भी खाएंगे, बाकी ये के साथ दाल और जो लोबिया वगैरह है यहाँ पे सर का फेवरेट वो मंगवाया, सलाद रायता और बॉटल्स और बस पानी पानी, हाँ सॉरी पानी, गेट डाउन कर लिया जी गाइस। तो अभी हम निकलने लगे हैं वापस अपने घर को यहाँ से कश्मीर से, तो इस रत्ती गली वाले व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बेशक नहीं गए आगे, अब जितना जा सके तो सारा आपको स्टोरी आपके सामने ही है कैसे वो मैं वापस ले आया, लेकिन हमारा टाइम तो वेस्ट हो गया था, पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया था, उसके बाद अगर हम किसी और के साथ जाते तो वो हमारा बल्कि नाइट स्टे वहाँ पर होना था, जो कि हमें इतना मतलब लग नहीं सारा, रूटीन हमारे ख़राब हो जाने सारी, तो ये कि बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक लाजमी कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।